ऐसे न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संसद मार्ग जंतर मंतर पर और आज यहाँ कुछ केमिस्ट के लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, ऑल इंडिया केमिस्ट, और ये IDCA। आइए हम पूछते हैं कि IDCA क्या है और ये किन मांगों के लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय सैनी है। विजय सैनी, आप जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो आप ये बताएं सैनी साहब कि IDCA है क्या? सर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा कुछ केमिस्ट हड़ताल कर रहे हैं। आज कुछ केमिस्ट नहीं, भारत भर के 7.5 लाख केमिस्ट जितने भी हैं सब स्ट्राइक पर गए हुए हैं। और स्ट्राइक पर जाने का हमें कोई शौक नहीं है, हम भी पब्लिक की परेशानी समझते हैं और हम मजबूरी में स्ट्राइक पर आए हैं। हम सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सीरियसली सुने और उस पर सीरियसली काम करे। और जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न, ये RDCA है, RDCA रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट अलायंस के नाम से जाना जाता है। ये हमारी मदर बॉडी AICD से एफिलिएटेड है जी। ये आपके मांगे क्या हैं? हमारी मांगे, जैसे कि मीडिया में काफ़ी मिसरिप्रेजेंटेशन जा रही है कि मार्जिन को रिलेटेड हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्राइक मार्जिन के रिलेटेड नहीं है। हमारी पहली जो मुख्य मांग है वो है ऑनलाइन के अगेंस्ट में। ऑनलाइन फार्मेसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की डेट में इलीगल है और आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन तब भी ये मतलब खुलेआम और धड़ल्ले से चल रही हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ में। हम ये चाहते हैं जब तक ऑनलाइन को इलीगल नहीं किया गया, जब तक वो इलीगल है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन किया जाए और वो ऑनलाइन को प्रमोट ना किया जाए। आप कोई भी TV चैनल चला लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, रेडियो देख लीजिए, सब में आपको वहाँ पर ऑनलाइन के अगेंस्ट में ऑनलाइन के ऐड मिल जाएंगे, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता जब आप लीगल नहीं है तो उनके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं होता। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी हमारी मांग है ऑनलाइन पोर्टल। जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आज की डेट में जहाँ पे गाँव में बिजली तक अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट हमसे ये चाहती है कि हम एक कंप्यूटर रखें वहाँ पे, कंप्यूटर इस्टेब्लिश लड़का रखें और इंटरनेट की सर्विसेज के जरिए हम उसको बिल को निकालें, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी आपने बताया कि हमारे बहुत जगह धरने चल रहे हैं, ये जंतर मंतर के अलावा और कितनी जगह आपके धरने चल रहे हैं? नहीं, देश भर में जितनी भी स्टेट एसोसिएशन हैं सब अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं और सारी जितनी भी AIOCD जो हमारी पेरेंट बॉडी है, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन जारी हैं उनके। ऑनलाइन से दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले जो लीगली ही नहीं है, वो जो चीज़ अवैध है, गैर कानूनी है, जो अलाउड ही नहीं है, जिसके लिए ड्रग एक्ट में कोई प्रावधान ही नहीं है, अगर बिना लाइसेंस के कोई चीज़ चल रही है, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, जो कैशमी में वो तक इशू नहीं कर सकता, जिसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे किस कोने में किस कमरे में बंद कमरे में बैठ कर बिना किसी फार्मासिस्ट के एक कुरियर के बॉय के माध्यम से, और ज़्यादातर जितनी भी नशे की दवाएँ हैं, जितनी गैर कानूनी चीज़ें हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट हैं, अबॉर्शन किट्स तक वो ऑनलाइन घरों तक डिलीवर करी जा रही हैं, वो बिल्कुल ही इलीगल है। और हमारी सरकार को भी अभी मालूम है कि ये इलीगल है, लेकिन इलीगल होते हुए भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस इंडिया को डिजिटल बनाने जा रहे हैं, तो डिजिटल कैसे बनेगा जी? इस मेरे ख्याल से इस तरह से डिजिटल तो नहीं बनने वाला। 8 लाख लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे जाके 3 साल अच्छा काम। ये अगर अच्छा काम कर रहे होते तो आप यहाँ स्ट्राइक क्यों करने आए? यही तो हम कहना चाहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। हम काफ़ी दिनों से इस पर लगे हुए थे, हमें तो मजबूरन करना पड़ रहा, हम नहीं चाहते स्ट्राइक करना। डिजिटलाइजेशन से हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई हमारा मतभेद। देश के अंदर लाइट, जैसे सैनी साहब ने बताया, लाइट की व्यवस्था नहीं है, नेट की व्यवस्था नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन कैसे हो सकता है, ऑनलाइन कैसे हो सकता है? सर देखो, आपने ये कहा प्रधानमंत्री जी की योजना काफ़ी अच्छी है, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, हम डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्तर पर, अगर मैं आपको आज की डेट में कह दूं कि कल से आपको हवाजाज में आना है तो आज के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? जो पॉसिबल नहीं हो सकता हम वो बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे आप साइकिल से जैसे हो सकता है आप आइए। पहली चीज है मरीज को दवा मिलना, पहली चीज डिजिटलाइजेशन नहीं है। हमारा मुद्दा है केमिस्ट, हर पेशेंट को दवा मिलनी चाहिए, जरूरी दवा उसको मुहैया होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिजिटलाइजेशन नहीं है और पेशेंट दरवाजे पर आकर खड़ा दवा मांगने के लिए, मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं उसे दवा दूं या नहीं दूं, आप बताइए मेरे को, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए दवा उसको? मिलनी चाहिए ना, आप बताइए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आप पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो ना, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर नेट नहीं आता मेरे यहाँ पे, बिल जनरेट नहीं होता, पेशेंट को दवा दूं या नहीं दूं, आप बताइए प्लीज सर। दवाई तो देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी ना। हम भी सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि दवा हम पेशेंट के लिए यहाँ पे, हमें पेशेंट को दवा देनी है, हम किसी पेशेंट को मना नहीं करना चाहते कि आज लाइट नहीं है, आज नेट नहीं है, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, मैं दवा नहीं देना चाहता। पहली एसेंशियलिटी है दवा, दूसरी एसेंशियलिटी है डिजिटलाइजेशन, होता है अच्छा, नहीं होता तो हम उसके पेशेंट की जान से नहीं खेल सकते। जब दवा को आप एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में लेके आते हैं, एसेंशियल कम्युनिटी में लेके आते हैं, तो एसेंशियल कम्युनिटी को आप मना नहीं कर सकते किसी को, तो मैं कैसे मना करूंगा एक पेशेंट को मेरे पास जो आके खड़ा हुआ, मैं कहता हूँ सर आज बिजली नहीं है, आज नेट नहीं चल रहा, आज पोर्टल नहीं चल रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सैनी साहब, ये धरने से आप कितना रिलीफ समझेंगे कि आपको इससे कुछ रिलीफ मिलेगा? सर देखो, धरने का पहला रिलीफ तो कुछ नहीं मिलेगा, रिलीफ ये है आप मेरे पास आए, आपने मेरी बात सुनी, आप मेरे मुद्दों से मतलब आपको माना कि हाँ हम सही मुद्दों के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं
और सरकार से हमने काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई जिसे कहते हैं फल नहीं निकला। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट सरकार हमारी मांगे तो सुने, जायज़ ना नाजायज़ तो बाद की बात है, मांगे सुननी तो चाहिए कम से कम। आगे क्या योजना रहेगी आपके? इंडेफिनेट पे भी जा सकते हैं। आज तो हमारी एक दिन की टोकन स्ट्राइक है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। जो नया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन रहा है उसमें भी हमारा पक्ष रखा जाए। जब वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डायरेक्ट हम पे इम्प्लाई होता है और हम उसके एक भाग हैं, तो वो उसमें हमारा पक्ष भी रखा जाना चाहिए। अगर आज की स्ट्राइक से भी अगर सरकार तक हमारा मैसेज नहीं गया तो आगे इंडेफिनेट स्ट्राइक भी रखी जा सकती है। ऑनलाइन से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आ रही है, ऑनलाइन से जितने भी नशे की प्रवृत्ति वाली दवाइयाँ हैं वो काफ़ी बिकती हैं के अंदर। जो भी इलीगल मेडिसिन जो कि नॉर्मल स्टोर वाला आपको जानता है, आप पहुंचोगे तो आपको सही गाइड करेगा, सर ये दवा गलत है आप मत लीजिए और आपके लिए सही नहीं है। ऑनलाइन पे ये धड़ल्ले से बिक रही हैं, जितनी भी अबॉर्शन किट हैं, एमटीपी किट्स हैं, ऑनलाइन पे धड़ल्ले से बिक रही हैं, नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं। और दूसरी बात, आप ये नहीं जानते कि वो ड्रग आपको इंडिया से मिल रही है, इंडिया के बाहर से मिल रही है, असली है, नकली है, असली है, नकली है। सबसे बड़ी बात यह है, नकली की प्रवृत्ति जो है ऑनलाइन से बहुत बढ़ेगी। हम इस चीज़ को मना करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन पर आपको ये नहीं पता ये स्टोर कहाँ से चला रहा है, किधर से चला रहा है। हमारे पर ड्रग अथॉरिटी या ड्रग इंस्पेक्टर है, वो हमारे इंस्पेक्शन करते हैं, आते हैं। ऑनलाइन के ऊपर कैसे पता लगेगा आपको कहाँ की ड्रग है? कूलिंग मेन चीज़ ये है कि ना तो दवाइयों का आपका प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन हो पाएगी, ना दवाइयों की प्रॉपर रख रखाव हो सकेगा उसके अंदर, और ना ही जिसे कहते हैं प्रॉपर मरीज को मिल पाएगी। हाँ, लेकिन जो मिसयूज़ कर रहे हैं उन्हें ज़रूर ऑनलाइन पे आसानी से दवा मिल जाएंगी। तो हम इसी का विरोध कर रहे हैं कि हम मानवता के उसके लिए विरोध कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम अपने ट्रेड के लिए कर रहे हैं। जो चीज़ ऑफिशियली अभी तक ऑथराइज नहीं है ऑनलाइन फार्मेसी, इसको अभी तक कहीं कानून में ये लागू नहीं है, फिर इसको क्यों कराया जा रहा है? हम बार बार अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि भाई इस पर कानून की तरह से इन पर एक्शन लिया जाए। ये रोज़ आए दिन जो है 20-25% के जो डिस्काउंट्स हैं वो हमें पेपर्स में मिल रहे हैं, फ्रेम में मिल रहे हैं, तो हम कैसे अपनी अपनी इज्जत को कैसे बचाएं? जबकि हमारा जो मार्जिन है फिक्स मार्जिन है, हमें जो रिटेल पे जो नॉन कंट्रोल ड्रग्स है उस पे 20% मिलता है और कंट्रोल पे 16% मिलता है। मेजॉरिटी आइटम आज कंट्रोल ड्रग्स में है, तो हम लोग अपने सर्वाइव कैसे करें? आज हमें जो है अपनी दुकानों को अपडेट भी करना है, एयर कंडीशन करना है, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मिनिमम नए नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको मेंटेन करना है, एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से ये है कि जब कोई भी चीज़ आपको खुले बाजार में बगैर किसी लॉ के, उनका कोई सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, फिर भी वो चीज़ आराम से इजीली अवेलेबल है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी ख़राब हो सकती है। तो हमारा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हम बार बार अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कोई सुन के नहीं राजी है। आज हम कहीं भी जाते हैं डेपुटेशन लेते हैं, पिछले 3 साल से हम इस बारे में कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन हो रही है आप इसको रोको। हम बैग भर भर के खरीद के लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है फिर आप क्यों नहीं एक्शन लेते इनके ऊपर? हमारे यहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हमारी जो दिन में जो हम अच्छे एक इज्जतदार दुकानदार होते थे, आज हमें लोग शक की नज़र से, चोर की नज़र से देखते हैं कि जब बाहर 25% का मार्जिन मिल रहा है तो आप क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए 16% मार्जिन में मैं कहाँ से डिस्पेंड मार्जिन दे दूँ? मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता, लेकिन हमें ये फोर्स किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इस गवर्नमेंट का एक ही रवैया है कि कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथ में इसको कर देना है, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो आने टाइम में नए नए रूल, इतने गलत रूल आ रहे हैं जिनको हम मेंटेन ही नहीं कर पाते। ये हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो फिर कैसे बनाएंगे? देखिए, हम उनके साथ हैं। जहाँ तक डिजिटल इंडिया की ज़रूरत है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम खुद मानते हैं, हमारे बच्चे खुद पढ़े लिखे हैं, वो डिजिटल को अच्छी भली बातें समझते हैं। बट किसी आइटम के लिए, किसी काम के लिए एक समय सीमा दी जाती है, एक प्रिपरेशन दी जाती है, एक नेगोशिएशन होता है। देखिए, मोटिवेशन और नेगोशिएशन के अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। हम अपने मेंबर्स को मोटिवेट करें, जो गवर्नमेंट है, जो मशीनरी है, वो हमें एजुकेट करें वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई काले बाजार से चीज़ें खरीदे और भेजें, उसको बेचें, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, ये बिल्कुल अनैतिक है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसका डट के विरोध करेंगे। सर, आज के धरने से आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको कितना इसमें रिलीफ मिलेगा? देखिए, जहाँ तक धरने और प्रदर्शन की बात है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम अपने राइट का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जितने भी असेंशियल सर्विस हैं, हमने पहले ही उनसे कह दिया है कि हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी। और जहाँ तक जो मेंबर्स हमारे बारे में, जो मेंबर्स हमारे बारे में अच्छी वो रखते हैं, मतलब सोच रखते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई आप धरने प्रदर्शन में आइए, अपना प्रदर्शन करिए। लेकिन जो आदमी, जो मेंबर हमारे इस पर विश्वास भी नहीं करता है, तो हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, वो उसका अपना मामला है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उस पर किया जाए। ई पोर्टल, जैसे देखिए, ई पोर्टल का क्या है कि जब तक वो आइटम उस पर नहीं रजिस्टर्ड होगी, इवन मैन्युफैक्चर से लेकर लास्ट एंड कस्टमर तक, वो तब तक नहीं बेच सकते आप।
अगर कहीं किसी भी स्टेज पे कोई, पहली बात तो है कि हमें कंपेल किया जा रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वहाँ पे जाके ई पोर्टल पर रजिस्टर किया जाए। दूसरी बात ये कि आजकल एक फतवा टाइप का इशू किया जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, जो हमारी ऑथराइज एसोसिएशन हैं उनसे बात नहीं की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट के लिए डाल देता है। अब ई पोर्टल को क्या है, 45 दिन होते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे पास कोई चारा नहीं है बट उटो फॉलो, लेकिन कितने आदमी उसको फॉलो पाएंगे? हमारी 75% दुकानें बंद हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे ना तो बिजली है, ना ढंग से वहाँ पे क्या नाम है कम्युनिकेशन है लोगों, ठीक है आज डिजिटल का ज़माना है, लोगों के पास फ़ोन है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताइए कि कहाँ तक पॉसिबल है। लेकिन आप गाँव में जाइए, देहात में जाइए, आप खुद जाके देखिए कि वहाँ क्या हालत है। तो हम तो अपने मेम्बर्स को एजुकेट करते हैं, टाइम टू टाइम उनको समझाते हैं, गवर्नमेंट के जितने लॉ है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारे काउंटर पार्ट पर जो लेके आ रही है गवर्नमेंट, जो कुछ चंद लोगों को जिनको कॉरपोरेट्स घरानों को ये देना चाह रही है, हम उसके जो है अगेंस्ट हैं और हम ये होने नहीं देंगे, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आज 9 लाख के करीब हमारी ऑल इंडिया में मेंबरशिप है, आप हर एक में देखिए दुकान में 3 से 4 एवरेज बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी फैमिली प्लस उन बंदों की फैमिली उसी खाने के ऊपर डिपेंड है। अगर कल को हमारी रोजी रोटी पे ये कोई झटका लगता है तो आप देखिए कितने लोग हैं। हमने बीजेपी को यही समर्थन करके वोट दिया था, हम इस गवर्नमेंट को इसीलिए लाए, लेकिन ये गवर्नमेंट भी जो है बहरी और गूंगों की है, ये बिल्कुल नहीं सुनती है। आगामी योजना आपकी क्या रहेंगे इस धरने को लेकर? देखिए हम बार बार अपना प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी दुकानदार कोई भी बिजनेसमैन ये कभी नहीं चाहता कि उसकी दुकान पे ताला लगे, उसकी रोजी रोटी पे नुकसान हो। वो हर आदमी आज अपने पेट पे कपड़ा बांध के यहाँ आया हुआ है, छोटे से छोटा दुकानदार जिसकी 3,000-4,000 की सेल है वो भी आज इस प्रदर्शन में आया हुआ है, आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ है। ये सभी ये समर्थन देते हैं कि जो गवर्नमेंट की गंदी और घिनौनी नीतियाँ हैं, जो ये करना चाह रही है, हम उसको नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट इस पे बात करने को तैयार नहीं है और जो लॉ देंगे इस काम करने धन्यवाद सर, आपकी मांगे क्या हैं सर? ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, हमारे मार्जिन का हनन हो रहा है, मार्जिन का हनन, हमें कंपटीशन का बढ़ावा देने के लिए, हमारा कंपटीशन बढ़ाने के लिए ऑनलाइन वाले 20% 25% का डेली इश्तहार दे रहे हैं, हमारा निश्चित मार्जिन 16% का है और 16% को 1995 से लेकर आज तक उसको उसी तरीके से रखा गया है कि उसमें किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। और फार्मेसिस्ट वहाँ पर समझाता है, विदेशों में आप जाके देखें फार्मेसिस्ट की मान्यता जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत डॉक्टर के, इसीलिए कि डॉक्टर कुछ भी डायग्नोज कर लेगा, अगर प्रॉपर दवाई नहीं पेशेंट को मिलेगी तो पेशेंट कैसे ठीक होगा, पहली बात है। दूसरी बात, ऑनलाइन के अंदर अगर कोई गलती से दवा मंगा भी लेता है, आप ये जान लीजिए वो फिर हमारी दुकान पे ही आता है कि भाई साहब जरा समझा दीजिए किस तरह से लेनी है। अब सोचिए हम सब कुछ हैं पर हम व्यापारी भी हैं, तो अगर हमारे नाक के नीचे से सारा व्यापार निकले जा रहा है और उसके बाद हमारे साथ ये घिनौना खेल हो रहा है, तो आप बताइए फिर आपने हमारे को फार्मेसिस्ट की पढ़ाई पढ़ने के लिए कोर्स क्यों शुरू करे थे, फिर आपको ज़रूरत क्या है फार्मेसिस्ट की? आपने जैसे जूता चप्पल बेच रहे हैं वैसे दवाई बेच रहे हैं, और इससे जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, नार्कोटिक नशे वाली दवाइयाँ हैं, वो पूरे सिस्टम में घुसती जा रही हैं और हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। जो अबॉर्शन करने की पिल्स हैं ये गर्ल्स के हॉस्टल में पहुँचे जा रही हैं, इंटरनेट से मंगाती हैं लड़कियाँ और जो है उसको उसका सेवन करती हैं, इसके ऊपर कोई अंकुश लगा ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम भी तो सोसाइटी का पार्ट है, ऐसा नहीं हम अपनी दुकानों के लिए, पर हम इसलिए कि फार्मेसिस्ट का दुकान का दवाई का एक रोल है और आप उस रोल को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ऐसे
तो कोई भी फोटोस्टेट करा कर पर्चा और मंगवाता रहे दवाई और बेचता रहे और मंगाता रहे और खाता रहे, तो सोचिए आगे आने वाली जनरेशन पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जी कभी कभार ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है बाई दे स्टोर पर नहीं होती हैं तो वो दूसरी दवाई दे दी जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी सी भ्रांति है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे पहले तो गवर्नमेंट खुद ही कंट्रावर्सी कर रही है। एक तरफ तो कानून बनाती है भाई दवाइयाँ डिस्पेंस बाई फार्मेसिस्ट होनी चाहिए, ऊपर से जो ऑनलाइन जो ये लाने जा रहे हैं पोर्टल, ये अभी तक इलीगल है, इसके बारे में कानून ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने अभी तक, और उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट तो कोई काम कर नहीं रहे। तो एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी हमारी डिमांड ये भी है कि हमें अपना तो सर्वाइवल करना ही करना, अपना व्यापार व्यापार की अभी कमल जी ने शुक्ला जी ने सब बताया कि मार्जिन ना होते हुए भी हम लोग कम्युनिटी को सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जो इलीगल चीज़ें हैं उनको अभी तक रोक ही नहीं रही। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहे हैं, ड्रग फॉर्मिंग जो मेडिसिन हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, नशे की दवाइयाँ हैं, समाज खराब हो रहा है, वो हो रहा है, उसको रोकने की बजाय उनको ऑनलाइन को कानून बना के या तो उनको ठीक तरह करें या उनको बिल्कुल रोक के, और ये समाज को जो खराब कर रही है सरकार, तो दोनों चीज़ों में बड़ा कंट्रावर्सी है।